आज की हमारी इस क्लास में हम एडवांस सेक्शन में फॉर्मूले की डिस्कस कर रहे हैं। फॉर्मूले में हमने लॉजिकल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड इफ के बारे में समझाया था और साथ में हमने बोला था कि इफ के कुछ एग्जांपल भेजने के लिए, बट आप लोगों ने नहीं भेजा। हो सकता है कहीं बिजी हो, बट प्लीज टाइम निकाल के उसको करके मुझे भेज दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो हम मल्टीपल कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे इस क्लास के अंदर। मल्टीपल कंडीशंस मतलब यहां हमारे पास कुछ सेल्स है और इस सेल्स में हम आपके साथ में मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं। कुछ फिगर से मान लीजिए, तो अगर सिंगल कंडीशन है तो हम नॉर्मली इफ लगा लेते हैं, बट मल्टीपल कंडीशन, जैसे मैं चाहता हूं इसमें 52 वाले पे 500 अदरवाइज 0 करना, तो इसका दो तरीके। एक तो है कि हम नेस्टेड इफ लगाएंगे। आप नेस्टेड इफ क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक इफ एक कंडीशन, तो यहां पे दो कंडीशन है। दो कंडीशन इट मीन्स कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड लेस देन इक्वल टू 80 है, दो कंडीशन है। दो कंडीशंस के लिए दो इफ लगेगा, लेकिन सीक्वेंसली हम लगाएंगे। अगर लेस देन इक्वल टू अगर ए 80 है तो यहां पे 500 अदरवाइज 0 और कॉमा 0 हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि इफ के दो पार्ट होते हैं, तीन इनपुट्स होते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट मतलब कि जिसमें हमारा कंडीशन होगा, और इसमें हमने दिया कि हमने कंडीशन चेक किया है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है। अगर ऐसा है तो दूसरे इफ पे दूसरा इफ चलेगा, और दूसरा इफ चेक करेगा क्या लेस देन इक्वल टू 80 है, है तो 500 का रिजल्ट देगा, अदरवाइज 0 देगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि दूसरा इफ क्यों चलेगा। देखिए क्या है कि एक ही कंडीशन को चेक करेगा ना सर, एक इफ जो है एक ही कंडीशन को चेक करेगा, इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देना पड़ा, मल्टीपल इफ देना पड़ा, क्योंकि दो कंडीशन है। तो पहला कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी दूसरा इफ वर्क करेगा, अदरवाइज या लास्ट का जीरो जो दिख रहा है जीरो शो कर देगा। मतलब कि ए इफ हुआ, इसका फर्स्ट पार्ट ए हुआ, लॉजिकल टेस्ट ए हुआ, और ट्रू पार्ट हमारा ए दूसरा इफ है, और फॉल्स पार्ट के लिए हमने जीरो रखा हुआ। एंटर कीजिए, ये आपके सामने रिजल्ट आएगा। किसी को डाउट इसमें, दे दिया सर, कब का दे दिया यूसुफ जी, आप भी रिकॉर्ड कर लें। Alt plus R कीजिए ना, रिकॉर्ड हो चुका, मैं परमिशन दे चुका हूं। कुछ नहीं, हमने आपके सामने इसका फॉर्मूला का यही बताया। निकिता जी आपने सेलफोन से ज्वाइन किया है, मैंने कर दिया, परमिशन दे दिया, ओके आपके सामने दिख रहा है। तो ये क्या है इसमें, कि इसमें हमने बताया कि अगर a2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो दूसरा इफ चले जो कि चेक करेगा कि क्या a2 लेस देन 80 है। अगर दूसरा इफ कंडीशन फुलफिल होने पे रिजल्ट आएगा, अदरवाइज 0 है। अब हो सकता है थोड़ा सा लंबी आपको लग रहा हो, इसलिए हमारे पास एक एंड का फॉर्मूला होता है। एंड का फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है, एंड का फॉर्मूला मल्टीपल कंडीशंस को लेता है, और मल्टीपल कंडीशंस को लेने के साथ क्या करता है, चेक करता है और रिजल्ट फुलफिल होने पे ट्रू अदरवाइज फॉल्स आता है। जैसे कि a ग्रेटर देन इक्वल टू हमने यहां पे 50 दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और इसको सिलेक्ट करके हमने बोला 80, तो दोनों कंडीशन एक साथ लगा दिए, बस रिजल्ट एक क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स पे आएगा।
रिजल्ट किसमें आएगा, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अब ट्रू एंड फॉल्स को मुझे इस फॉर्मूले की मदद से 500 और 0 में कन्वर्ट कर सकता हूं। ओके, एंड फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर आप नेस्टेड इफ लगा सकते हैं। अब चलिए अगला एग्जांपल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे डेटा बनाता हूँ, मान लीजिए एक स्कूल का स्कोर है, बच्चों के नाम है और यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, और सब्जेक्ट के नाम मैंने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रखा हूँ, सब्जेक्ट 1, 2, 3, 4 कर दिया हूँ। अब मेरी भावना पर समझिएगा प्लीज। हमने इसको कॉपी किया और हमने इसको पेस्ट किया। अब मुझे यहाँ स्टेटस शो करना है। अब स्टेटस में हमें यहाँ पे पास या फेल मान लीजिए रिजल्ट कर लीजिए ना, रिजल्ट हमें शो करना। अब रिजल्ट में मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैसे करें, इसमें हम यहाँ पे एंड फॉर्मूला लगाएंगे और देंगे यहाँ पे कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर दैन इक्वल 30, वापस हमने इसको सेलेक्ट किया ग्रेटर दैन इक्वल टू 30, अगेन इसको सेलेक्ट किया और ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 कर दिया। रिजल्ट आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स में है, ये रहा आपका ट्रू एंड फॉल्स। तो जो कंडीशन मैच करेगा, देखिए यहाँ पे 18 था, अगर मान लीजिए मैंने 81 कर दिया तो यहाँ पे ट्रू आ जाए। अब इसके ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे पास और फेल हम दे सकते हैं रिजल्ट अपना, कि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे हमारा पास अदरवाइज फेल आ जाए। इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, हमारे पास एक फॉर्मूला है काउंट इफ का, काउंट इफ फॉर्मूला में हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो रिजल्ट आएगा। चार सब्जेक्ट है, यहाँ पे कंडीशन रहेगी काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू 4 हो तो यहाँ पे पास अदरवाइज फेल आना चाहिए। दो तरीके हैं, दोनों में से जो अपना सकते हैं। तो काउंट इफ हम कहां भी यूज नहीं कर सकते राहुल जी, मैं समझाएंगे आप कि काउंट इफ का यूज मैं कहां नहीं कर सकता। देखिए क्या है कि यहां पे फिक्स कंडीशन है ग्रेटर देन 30। देखिए ऐसा हो सकता है ना कि कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट 150 नंबर का हो, कोई 50 नंबर का हो, कोई 100 नंबर का हो, तो हर सब्जेक्ट का पासिंग मार्क तो अलग अलग होगा ना क्या। तो यहाँ पे तो हम हर सब्जेक्ट के लिए नहीं दे सकते, बट हमारे इस एंड में आसानी से हम हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। अब तीसरे जगह मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ क्या, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट 3 हमारा 50 से पास होता है तो मैं D3 में यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ठीक है, कोई डाउट इसमें आप लोगों को। इफ वाला फॉर्मूला अभी नहीं समझ पाएंगे तो मैं वो कल बताऊंगा आपको, कल इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि मुझे इसी तरह का चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे में रिक्वायर्ड कंडीशन है कि होनी चाहिए,
बट मेरे पास मान लीजिए कि एक आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ का डेटा है, तो नेम है और मुझे कुछ आईडी प्रूफ में से चाहिए, जैसे पैन नंबर चाहिए, डीएल चाहिए, यूआईडी चाहिए, अपना आधार, पासपोर्ट चाहिए, वोटर आई कार्ड में चलेगा। अब यहाँ भी है कि जरूरी नहीं है कि सबके सब दे, इसमें से कोई एक या एक से ज्यादा भी दे, जैसे मैं किसी ने आईडी प्रूफ में से पैन कार्ड दे, लेकिन नीरज जो है वो पैन कार्ड के साथ साथ डीएल और मान लीजिए उसने पासपोर्ट दे दिया, तो यहाँ स्टेटस में हमें ओके आप पेंडिंग करना है। मतलब अगर किसी ने अगर दिया है, एक भी दिया है, एक से एक और एक से ज्यादा दिया है तो वहां पे ओके, अगर किसी ने नहीं दिया बिल्कुल तो पेंडिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस तो है बट रिक्वायर्ड है, तो उस केस में यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला और इक्वल टू आई कॉमा दैट इक्वल टू आई कॉमा। और याद रखिएगा एक्सेल में फॉर्मूला केस सेंसिटिव नहीं होता है, मतलब कि बड़े छोटे लेटर का फर्क नहीं रखता है, बट अगर आप वीवीएम कुछ ऐसा करेंगे तो वहां बड़े छोटे का फर्क देना पड़ता है, इसका ध्यान आप रखिए। यहाँ पे स्टेटस ट्रू आ गया, अगर मैं पैन को डिलीट मारो तो स्टेटस फॉल्स आएगा, अब यहाँ ट्रू आ गया और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ और है तो यहाँ पे मैं ट्रू आएगा, तो यहाँ पे मैं ओके और यहाँ पे पेन। ठीक है, राहुल जी, निकिता जी, शिव जी को डाउट इसमें? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ओके, तो आपके आंसर प्रॉब्लम होगी। गुलशन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं थोड़ा जोर से बोल देता हूँ, मेरे शायद हो सकता है पंखा चल रहा है क्योंकि आज तो गर्मी लग रही थी तो मैंने पंखा चला दिया। अब ठीक है, ये आवाज अब बेटर है ना? वो सर पंखे से हो रहा था सर, बोल रहा तो ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आपको? अब इसमें अगला कंडीशन है कि जो फिक्स, इसमें तो फिक्स था कि हाँ पैन होना चाहिए, लेकिन अब यहां पे मैं ये करता हूं कि हमारा पैन कंपल्सरी है कि पैन, आपको दो आईडी प्रूफ देने हैं, इसमें से पैन तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा इन चारों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, जैसे बैंक में बोलते हैं ना, बैंक में अकाउंट ओपनिंग के लिए जाए तो आपको बोलेंगे कि पैन तो चाहिए चाहिए, उसके अलावा इनमें से, पहले तो आधार भी कहते हैं कि आधार कंपल्सरी है, लेकिन अब आधार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है आधार कंपल्सरी नहीं किया है, लेकिन वो बोलते हैं कि मुझे इनमें से कोई एक चाहिए, तो लेकिन प्रूफ आपको देने पड़ेंगे। तो यहां पे मुझे ये देना है कि किसने दो दिया है, पैन तो दिया ही दिया है, पैन के अलावा किसने एक दिया है, तो यहां पे मैं एंड और दोनों लगाऊंगा। एंड अब यहां पे मैं इक्वल टू वाई किया, सॉरी इक्वल टू वाई कॉमा, वापस हमने इसको सेलेक्ट किया इक्वल टू वाई, कॉमा।
अब यहाँ जो एक इसको और में डालना होगा, हाँ गलती होगी हमसे, क्योंकि हमें सिर्फ पैन को ही वाई एंड के अंदर डालना है, और फिर हमें क्या ये एंड को दो चाहिए, पहला चाहिए जो कि पैन देगा और दूसरा हमारा और देगा, और क्या करेगा कि और को हम देंगे चार, और चार में से कोई एक भी होगा तो और ट्रू दे देगा। मैं इसको एवेलेट करके दिखाऊंगा आपको, चिंता नहीं करें। देखिए इस फॉर्मूले को समझने के लिए फॉर्मूला में जाइए, एवेलेट कीजिए, यहां पे देखिए आपको दिखाएगा कि पहले इसने एंड ने क्या किया, चेक किया वाई, तो एंड में ट्रू मिल गया, फिर और से मांगा, फिर और चला और ने देखा कि उसके पास हाँ एक वाई उसको भी मिल गया, तो और का क्या है कि अगर और में अगर एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा, और एंड को ट्रू ही चाहिए, फॉल्स अगर एक भी फॉल्स आएगा तो फॉल्स दे देगा, लेकिन यहाँ पे एंड को ट्रू मिल रहा है तो रिजल्ट आपके सामने ट्रू दे रहा है। तो इस तरह से एंड और को कंबाइन करके आप ऑप्शनल एंड रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है सर, इस मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यूसुफ जी, राहुल जी, निकिता जी, समझ में आया? राजकुमार जी, समझ में आया आपको सर? अगला जो हमारा टॉपिक है, फिर उस पर चलते हैं। मैं म्यूट कर देता हूं क्योंकि आपके बैकग्राउंड से शोर आ रहा था इसलिए। तो यहां पे मान लीजिए पूजा है, अब मान लीजिए कि अगर क्लास की आप मान लीजिए आप जो है दो चीजें हैं, एक जैसे आप वर्क फ्रॉम होम लेना चाहते हैं और दूसरा आप जो है इन हाउस लेना चाहते हैं, मतलब कि ऑफिस में, तो अब यहां आपको स्टेटस यहां देना है। अब इसमें से कोई एक ही टॉपिक आपको चूज करना है, आप दोनों छोड़ नहीं सकते और दोनों ले नहीं सकते, मतलब कि आपको इसमें अगर वाई है तो एक ब्लैंक होना चाहिए, अगर इसमें वाई है तो एक ब्लैंक होना चाहिए, दोनों में वाई नहीं होना चाहिए और दोनों ब्लैंक नहीं होना चाहिए, समझे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स और का, तो एक्स और का फॉर्मूला हम लगाते हैं और बोलते हैं कि अगर ए इक्वल टू वाई है, माफ कीजिए एक्स और का ना, हाँ एक्स और, हमने बोला कि अगर ए इक्वल टू वाई है तो, और फिर यहाँ पे कॉमा किया इक्वल टू वाई है, अभी देखिए दोनों ब्लैंक है तो ये फॉल्स आएगा, अगर मैं एक वाई कर दूँ तो ट्रू आएगा, अगर दोनों वाई कर दूँ तो फॉल्स आएगा, और दोनों ब्लैंक कर दूं तो फॉल्स आएगा। एक्स और का इस्तेमाल इसमें होता है। आगे चलके वैलिडेशन वगैरह में इसके लिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम आपको समझाएंगे, ठीक है, क्लियर सर? ओके। तो अब आप लोगों से पिछला भी क्लास पिछला भी एग्जांपल ड्यू है, आपको मैंने बोला था कि मुझे तकरीबन 10 इफ के कंडीशन के एग्जांपल चाहिए, बट आपने नहीं दिया था, आप प्रैक्टिस कीजिए और 10 एग्जाम्पल।